गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो मैं अभी सो के उठी हूँ 9 बजे। संकेत उठ चुके थे, मैं रात को एडिट कर रही थी व्लॉग, तो मुझे 1 बज गया था, इसलिए मैं लेट उठी हूँ, नींद नहीं खुली थी। अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट, बनाऊँगी या फिर संकेत बनाएंगे। संकेत ज़्यादा अच्छे ओट्स बनाते हैं मेरे से अच्छे, तो संकेत ओट्स बनाएंगे। बाकी फिर लंच का मैं देखूँगी पूरा, उसके बाद का फ्रूट्स वगैरह उनको मैं काट के दूँगी। आज संडे है तो सारी चीज़ें आराम से चलेंगी, और हो सकता है हम बाहर घूमने भी जाएँ। फ्रेश होके आ चुकी हूँ, ब्रश कर लिया मैंने, वहाँ संकेत ओट्स बना रहे हैं मेरे लिए और अपने लिए। तो अभी फिर मैं लंच की तैयारी करती हूँ साइड साइड में, और फ्रूट्स काटती हूँ, उसके बाद हम गैप में खाएंगे। तो अभी से काट के रख देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये बनाना भी डालोगे? वाह यम्मी, अपने में डालना, अपने में डालना, क्योंकि मुझे गला पकड़ लेता है ना बनाना, रिएक्ट कर जाता सुबह सुबह। हमारा गला पकड़ लेता है वो वाला? नहीं, वो वाला सर्दी वाला। ये देखो कैसे हो रहा है। ये मास्टर शेफ संकेत की रेसिपी है, ये जो किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता, और इसका वीडियो फुटेज बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ। बिल्कुल भी लीक नहीं होगा, बिल्कुल लीक करना भी मत लीक। हाँ। ये संकेत के बनाना ओट्स, वो मेरा सिंपल ओट्स, इस पे भी कॉर्नफ्लेक्स का ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। ओके, डालते हैं, देखते हैं। ये बन चुके थे हमारे और अब हम इसे खा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम ओट्स खा चुके हैं। अभी मैं करती हूँ घर की थोड़ी साफ सफाई, और थोड़ा बहुत जितना भी समेटा समाटी होती है रोज की वो कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे लंच की तैयारी, और फ्रूट्स वगैरह अगर काटने तो वो काटेंगे। ठीक है, मिलते हैं तब उसके बाद। मौसम ऐसा क्यों है यार? इतना अच्छा है डॉली, बहुत अच्छा, गर्मी जा रही हो, धूप जा रही हो। इतना बारिश कभी गिरता है क्या? बेमौसम बरसात, 3 दिन से बारिश हो रही भाई, मार्च चल रहा है, मौसम चल रहा भाई। गाइस, मैंने झाड़ू वगैरह कर ली है, साफ़ सफाई कर ली है, तो और संकेत ने मशीन पहले चला दी थी तो वो कपड़े ऊपर डालने गए हैं। अभी मैं चलती हूँ नहाने, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने थोड़ा वूलन टाइप का पहन लिया क्योंकि मौसम बिगड़ चुका है, मुझे ठंडी लग रही है। तो अभी हम करते हैं पूजा, फिर आपसे। पूजा के पहले मैं अपना बेस्ट पार्ट कर रही हूँ, मेरा सिंदूर भरना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह इसको करना। तो गाइस, हम मिलते हैं पूजा करने के बाद। यहाँ हो चुके हैं हमारी पूजा, आते हैं फ्रूट्स काटते हैं और लंच की तैयारी करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे आटा गूंथ चुका है, काट लेते हैं फ्रूट्स और फटाफट संकेत को दे देते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया ब्रेकफास्ट करे हुए। तो गाइस, यहाँ पे कट चुके हमारे फ्रूट्स, संकेत को थोड़े से काम के बाहर जा रहे हैं तो हम उनके लिए फ्रूट्स खिला देते हैं। मैंने आरओ चालू कर लिया है, पानी भर रहा है, तो अब हम फ्रूट्स खाते हैं, इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फिर खाएं हम, मैं खाऊं पहले? खा लो, आपके बिना मैं कैसे खा सकता हूँ, पहले आप ही तो मेरी पत्नी परमेश्वरी हो, सुरेश्वरी हो, जुम्मेश्वरी हो, कुछ भी। चलो खा लो, अभी जाना है ना, चलो हम मिलते हैं खाने के बाद आपसे, और मैं मिलती हूँ लंच की प्रिपरेशन करते वक्त। ठीक है, संकेत जाएंगे, मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। ठीक है, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, पेट खराब है ना, सिंपल बना रही हूँ, नॉन वेज नहीं है कुछ भी, नॉन वेज नहीं खाएंगे हम क्योंकि संकेत का पेट खराब है, वो हैवी होता है थोड़ा सा इसलिए। ठीक है, चलो हम मिलते हैं फ्रूट्स खाने का, बाय। तो गाइस, मैंने यहाँ भिंडी की सब्जी बनाने के लिए प्रिपरेशन कर ली है, प्याज छील ली है, कुछ चीज़ें काट ली हैं, और मैंने सोचा दाल भी बना दें, तो मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो हम साथ साथ सब्जी के साथ साथ दाल का भी बिल्कुल बारीक सा, बिल्कुल हल्का सा तड़का लगाएंगे क्योंकि संकेत का पेट अभी बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा ही हल्का सा मामूली सा तड़का लगा के तेल में बस इतना ही बघार के और बनाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं बाद में। कट चुका है, अचानक से वो चाकू पता नहीं बहुत शार्प था, तो
तो मैं अभी जा रही हूँ बैंडेड लगाने, मुझे बहुत एकदम से पेन होने लगा, ब्लड एकदम से निकलने लगा है बहुत, तो अभी हम जाते हैं बैंडेड ढूंढते हैं, कोई है नहीं है घर में, संकेत भी गए बाहर, तो हम बैंडेड ढूंढते हैं। कहाँ रखी है मैंने, है भी कि नहीं याद नहीं है। क्या पता है नहीं शायद गाइस, चलिए मैं ढूंढती हूँ बैंडेड फिर आपको बताती हूँ। ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फर्स्ट एड बॉक्स में से ढूंढ ली है ये बैंडेड, हम लगा बैंडेड लगा लिए गाइस, अब शायद खून रुक जाएगा, देखते हैं फिर देर तक बैंडेज को देख रहे हैं, तब तक हम आराम आराम से सब्जी काटने की कोशिश करते हैं, हम सब्जी बनाते हैं फिर आपसे। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं भिंडी में तड़का, बेसिकली हमारे यहाँ लौंग से तड़का लगाते हैं क्योंकि इससे बाद ही मिटती है भिंडी की। ये देखिए जब ये हो जाएगी, लौंग फूटने लगेगी तो हम लगाएंगे, फिर इसमें डालेंगे लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च और प्याज। साइड में हम दाल का तड़का लगाएंगे, तो सेम मैं यहाँ मूंग की दाल बना रही हूँ, तो मैं यहाँ लौंग और काली मिर्च से तड़का लगाऊंगी। हम इसका वेट करेंगे, ये भी जब फटने लगेगी, थोड़ा सा चिटचिटाने लगेगी, फूल जाएगी, तब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, बस हम इतनी चीज़ों का तड़का लगाएंगे, और ज़रा सी हल्दी डाल के और नमक डाल के हम इसका इसको दाल बनाएंगे, बस इतना ही डाल के, और कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि हमें सिंपल दाल चाहिए। भिंडी की लौंग पक चुकी है, तो हम भिंडी में क्या करेंगे, पहले आगे की तैयारी शुरू करते हैं। दाल का गैस अभी बहुत स्लो पे है, तो तब तक हम भिंडी का, भिंडी में डाल दी मैंने लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च, की दाल में डाल दिया क्योंकि वो पूरा देखिए ये हो चुकी है। अब मैं डाल दी मैं प्याज, थोड़ी सी और मध्यम आँच पे ये प्याज भूगी, तब तक हम दाल में भी प्याज डालते हैं साथ साथ, दाल में भी डाली प्याज, अभी हम इसको थोड़ा तला देते हैं, इसको होने देते हैं प्याज को, वो तो हल्की सी भूरी कलर की हो जाएगी, तब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। प्याज हो चुकी है दाल की, तो हम इसमें डाल दें दाल, अभी हम इसमें डालते हैं हल्दी जितनी हमें चाहिए, और हल्का सा धना पाउडर, हल्की सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, देखिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। गूंजने दीजिए, फिर हम इसमें पानी डालेंगे, पहले हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार गूंज चुकी है, और हम डालेंगे इसमें पानी, जितना हमें डालना है उतना। लगा दिया दाल का कुकर, तो ये दाल हो रही है, अब हम ध्यान देते हैं गाइस, प्याज हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी, तब हम डालते हैं भिंडी, अब हम इसको मिला लेते हैं गाइस, थोड़ा सा इसको हम पकने देंगे, इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, और ये भाप में पकेगी जब तक, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे जब ये थोड़ी सी पक जाएगी, और नमक मैं अभी नहीं डालती, कई लोग नमक इसमें पहले ही डाल देते हैं गाइस, मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि कहते हैं ये रेशे जो निकलते हैं, ये लबलबापन जो निकलता है भिंडी का, वो ज़्यादा हो जाता है पहले नमक डालने से, तो पहले उसको पकने दीजिए, उसके बाद उसको नमक डालिएगा, तो उससे क्या होता है उसका जो ये रेशे, कई लोगों की भिंडी चिपक जाती है, तो वो चिपकती नहीं है, बहुत खिली खिली बनती है अगर आप नमक बाद में डालते हैं, तो ठीक है इसको होने देते हैं, हम इसको ढक के रखेंगे। मैंने भिंडी ढक दी है और ये दाल हो रही है, उसके साथ साथ हम सैलेड काट लेते हैं, सैलेड की प्रिपरेशन कर लेते हैं, और सैलेड काटने के बाद मैं एक तरफ रोटी बनाने लग जाऊंगी, जिसमें ज़्यादा लेट ना हो, मुझे मंदिर भी जाना है, संडे को मैं मंदिर थोड़ा सा लेट जाती हूँ, तो मैं मंदिर भी जाऊंगी, गन्ने का रस चढ़ाने जो मैंने कर लिया था महादेव के लिए वो चढ़ाने जाऊंगी, तो फटाफट अपना काम निपटा के फिर हम मंदिर चलते हैं। ओके ये देखिए भिंडी हमारी हल्की सी पक चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले, और ये मैंने धनिया पहले से काट के रख दी है, बाद में बनने के बाद डालेंगे दाल में भी, जब दाल हो जाएगी और सब्जी में भी, तो अभी हम डालते हैं बाकी के मसाले साथ साथ। देखिए मैं किचन क्लीन करती जाती हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा हेडेक ना, तो अभी डालते हैं हम इसमें मसाले, थोड़ा सा धनिया पाउडर,
थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा एवरेस्ट का सब्जी मसाला। चलो फिर चला देते हैं गाइस। फिर इसमें डालेंगे नमक थोड़ी देर पकने के बाद। अब ये थोड़ी पक चुकी है गाइस, तो हम इसमें डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। ला देते हैं थोड़ा सा और थोड़ी देर और पकने देते हैं तो हमारी भिंडी हो जाएगी। अभी थोड़ी सी और बची है पकने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश फ्रेश हरी हरी दिख रही है और चिपक नहीं रही है, इसलिए मैंने कहा था नमक बाद में। अभी मैं बना रही हूँ रोटी। भिंडी को उतार चुकी हूँ, भिंडी हो चुकी है, दाल भी हो चुकी है। अभी आपको दिखाऊंगी पूरा खाना बनने के बाद, तब तक अभी हम बनाते हैं रोटी। फटाफट हमारी दाल बन चुकी है, मैं इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देती हूँ। ये दाल हो चुकी है, ये हमारी थोड़ी सी सैलेड थी, संकेत को बहुत पसंद है ककड़ी तो वो कहे। और ये है भिंडी और ये हमारी रोटी है, यह बन के तैयार हो चुकी है। बर्तन वॉश करते हैं, वॉश हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं तैयार होने। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ गाइस, तो चलते हैं। शायद संकेत आ गए हैं, अगर वो जाना चाहेंगे तो उनको भी साथ में ले जाएंगे, वरना हम अकेले ही जाएंगे। तो हम आते हैं मंदिर से। संकेत भी यहाँ जा रहे हैं मेरे साथ मंदिर। चलो चलते हैं मंदिर। गाइज़ हम आ चुके हैं मंदिर से वापस पूजा करके। आपने देखा होगा हम कैसे पूजा कर रहे थे। अभी हम वापस आए हैं, मेरा लंच पहले से रेडी था तो मैं लंच बना के ही गई थी मंदिर। जब संकेत आ गए थे तो मैं उनके साथ चली गई थी। अभी हम दोनों खाना खाएंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो गाइज़ अब हम खाना खा रहे हैं, बहुत भूख लगी है, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। सो आज डॉली ने मेरी फेवरेट सब्जी बनाई हुई है भिंडी की, वाह। और क्या सुपर दाल बनाई हुई है, वाह मज़ा ही आ गया। मेरे को एक्चुअली क्या ना कैमरा हैंडलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, जैसा भी है धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो गाइस संकेत जा चुके हैं, उनको काम आ गया था। मैं खाना खाने के बाद अब थोड़ा रेस्ट लेना चाहती हूँ क्योंकि संडे है, तो हम थोड़ी देर सो लेते हैं, रेस्ट ले लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ओके। गाइस तो मैं सो के उठ चुकी थी, अभी मैं पूजा करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं, फिर आपसे बताऊँगी। ये हो चुकी है मेरी पूजा गाइस, अब मैं चलती हूँ आगे। तो गाइस मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ ब्लू कलर का, मुझे बहुत पसंद है। अभी संकेत ने बोला है, गिर गया था बोलते बोलते, कोई बात नहीं। तो अभी संकेत ने बोला है कि हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ी बहुत अगर शॉपिंग करनी है, कुछ भी लेना है, छोटी मोटी चीज़ें जो हम नहीं ले पाते तो वो ले लेते हैं। तो अभी हम लगा रहे हैं काजल, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ तो बिल्कुल मेकअप को ज़्यादा टच नहीं करती हूँ, अप्लाई नहीं करती हूँ अपने फेस पे, मुझे स्किन का थोड़ा सा इशू है। तो मैं और मुझे पसंद भी नहीं ज़्यादा मेकअप करना, तो मैं सिर्फ आईज़ का मेकअप करती हूँ। ये देखिए ये ब्लू काजल मैं लगा रही हूँ, मैंने सिर्फ आईलाइनर लगाया है और मस्कारा लगाया है, और ये काजल हमारा हो रहा है। ये हो चुके हम रेडी, अब तो ये हम रेडी हो चुके हैं, अभी हम चलते हैं। चले तो मिलते हैं आपसे बाद। तो गाइस हम जा रहे हैं, पहले सोचा न्यू मार्केट चले जाए, तो पहले हम जा रहे हैं न्यू मार्केट।
ढंग से रखो आप। ठंड लग रही थी तो इनने जैकेट निकाली, अच्छा हुआ ना मैंने जैकेट रखवा ली थी, बहुत अच्छा हुआ। ठंडी है भाई, मौसम देखिए आप कैसा हो रहा है, शाम के 6:30 बजे ऐसा मौसम हो रहा है, पानी गिरने वाला है गाइस। ये देखिए इनने जैकेट पहन ली, हम चले। पीला पुलाव लग रहा हूँ मैं तो, अच्छी लग रही, येल्लो येल्लो डेटी फेल्लो, पीला पुलाव, पीला पुलाव। यहाँ गाइज मुझे ठंड लगने लगी थी तो मैंने अपने फेस पे ये स्कार्फ बांध दिया। तो गाइज हम न्यू मार्केट पहुंच चुके हैं लेकिन पानी की बूंदें स्टार्ट हो गई गिरना, तो हम जल्दी से पहुंच जाएं। ठंड लग रही है कि हमने स्वेटर पहन ली, कचड़ा हो गया फैशन का। ये देखिए गाइस कितनी छोटी छोटी दुकानें बनी है न्यू मार्केट में, ऐसी बहुत सारी हैं जहां आपको बहुत सामान मिल जाएगा। और ये बीचों बीच बप्पा जी का मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चाहिए क्यों नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिल जाएगा। कहाँ चाहिए? हम यहाँ लाख बन भरवाने आए हैं मेरे कंगन में, वो एक्चुअली क्या है हर बार टेढ़े हो जाते हैं तो उसको लाख से वो उसको पूरा गोल कर देंगे, भर देंगे, तो उससे बार बार वो उनका जब पोलापन भर जाएगा तो उससे क्या होगा, वो बार बार आड़ा टेढ़ा नहीं होगा। तभी हम भरवा रहे हैं। बारिश हो रही थी कुछ तो करूँगी ना, तो मूँगफली दिख गई और चाय दिख गई, तो चलो खाएं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आधे घंटे हो गया है तो चाय वाला भी आ गया, तो चाय एंजॉय करते हैं। तो हम ये जलेबी खाने लगे गरम गरम, बारिश से बचते हुए। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे वाली शॉप पे, शायद यहाँ बैग मिल जाए जैसे हमें चाहिए थे। तो गाइस यहाँ पे संकेत पे कैप दिख गई है तो वो ले रहे हैं और उन्होंने वो कैप ले लिया, आखिरकार उनको बहुत पसंद है। अब लगा के दिखाओ, अच्छा लग रहा है। 100 रुपीज़ में और क्या चाहिए भाई, सही बात, इतनी शानदार कैप मिल गई। और ये कैप बड़ी अच्छी है, जैसे शोरूम में होती ना तो ये 1000-2000 से नीचे नहीं होती। किसी शोरूम में होती तो बहुत ज़्यादा महंगी होती, 1000 से नीचे नहीं होती, आराम से नहीं होती। हाँ अच्छी लग रही, अच्छी लग रही है, तुमको फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो दिखाना वो तो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, पैक कर दो। हमने वो पोस्टर ले लिया है, ठीक है, अभी हम जा रहे हैं कुछ और लेने, तो देखते हैं और क्या लेते हैं। हाँ कैब बहुत अच्छी लग रही है, सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। मैं कितना येलो हो रहा हूँ यार, बिजनेसमैन आज फ्री कैसे अभी थोड़ी देर के लिए। जैसा बैग हमें चाहिए था वैसा मिल ही नहीं रहा यहाँ पे, तो हम खोज रहे हैं, अगर मिलता है तो ठीक वरना हम घर चले जाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, आधी शॉप्स बंद हो चुकी हैं, पानी अभी भी बंद नहीं हो रहा है देखिए। तो हम दोनों बैठ के ये हौरे कहते हैं शायद इन्हें, है ना, हौरे कहते हैं इन्हें, पहले मैं बहुत खाती थी छोटी थी, आप ही खाते हो। तो हम ये खा रहे हैं, कभी कभी ये बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं और ये हमें पुराने दिन की याद दिलाते हैं।
गाइस, संकेत यहाँ पे चश्मा देख रहे थे तो मैं यहाँ इयररिंग देखने लगी अपने लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे इयररिंग्स मिल जाएंगे आपको न्यू मार्केट में। बड़ी मशर्रत करके हमें ये समोसे मिल चुके हैं। संकेत अभी भी बिजनेसमैन पति बने हुए हैं, अभी भी टाइम नहीं उनके पास समोसे तक खाने का। चलो हम खाते समोसे के लिए रश, और अपन ने जंग जीत चुकी है। मैसेज कर दो क्या क्या अपने को लाना है, सोचते रहे अपन वो चीज ले आएंगे, है ना। बिजनेसमैन पति गाइस, संकेत ने ले लिया जो चश्मा जो ये मैं पहनी हुई हूँ। हाँ, ये स्टॉल वस्टॉल ला ली हूँ इसलिए बारिश हो रही है, तो क्या कर सकती हूँ, अभी फैशन गया भाड़ में अभी। और ये अच्छा लग रहा है चश्मा मुझे, आई लाइक योर स्पेक्स। मैट फिनिश है ये, न्यू पैटर्न्स आए हैं ये, ये मुझे बहुत पसंद है गाइस। तो इनको मिल गया और मैंने इसी में मंगवाया उनसे लेमन कलर। तो जब आता है वो कह रहे हैं अगले संडे या मंडे तक आ जाएगा, तो मैं एक बार और आऊँगी संडे मंडे तक उनसे ले जाऊँगी। बारिश नहीं रुकने का नाम ले रही, लेकिन है ना, नहीं रुकेगी आज भाई। ये कब रुकेगी, अगले संडे। गाइस आज हम गलत फंस गए, इतनी बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बारिश। फंस गए हम, बहुत गलत फंस गए आज। ठंडी अलग है इसलिए मैंने तो जैकेट पहना हुआ है, तो मैं तो मैंने भी पहना हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे बारिश में ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है बहुत। लेकिन कुछ चीज़ों के कारण आना पड़ा, वो चीज़ें ही नहीं मिली, और हमें जो चाहिए था वो ही इतना नहीं मिला जो इम्पोर्टेंट था। बैग्स थे वो नहीं मिले क्योंकि शॉप्स आधी बंद हो चुकी, सब भाग गए हैं। तो अभी देखते हैं हम घर जाएंगे। मैं तुमसे बोल रहा था कार से चलते हैं बट हाँ, मैंने नहीं सुना, कर दिया। इट्स ऑल माय फॉल्ट, रहा था बारिश हो रही है बट इट्स ऑल माय फॉल्ट। पहली बार हमारे वेट करते हो। तो गाइस यहाँ स्वीट कॉर्न बिक रहा था, मुझे दूर से दिखा, वहाँ खड़ी थी मैं, तो मैं यहाँ लेने आ गई। हम यहाँ खा रहे हैं स्वीट कॉर्न, वो वहाँ यहाँ से खड़े खड़े वहाँ दिख गया, और मेरे पति अभी भी बिजी बिजनेसमैन बने घूम रहे हैं। उनका पसंद है उनको। चलो इतना तो टाइम है, बीवी को खिला लो। हाँ। तो गाइस हमने यहाँ पे लाइट भी पूछी लेकिन हमें वो भी नहीं मिली। बारिश थोड़ी रुक चुकी है, अब हम जा रहे हैं घर, कोशिश कर रहे हैं कि और रुक जाए। तो गाइस हम जा रहे हैं जमजम, मुझे कुछ खाना है, तो मैंने बोला संकेत से मुझे जमजम का कुछ खाना है, तो हम वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, ठीक है। okay. तो जमजम चले, चल रहे, सिग्नल तो हट जाए। बहुत फेमस है भोपाल में जमजम गाइस, बहुत ज़्यादा, आपको बताते हैं वहाँ पे कैसा रश रहता है। पेट्रोल डलवाना है, ठीक है डलवा लो। गाइस संकेत अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो देखिए गाइस वीआईपी कितना सुंदर लग रहा है, ये वीआईपी से होते हुए हम जमजम की तरफ जा रहे हैं। गाइस ये है राजा सेतु ब्रिज जो बहुत फेमस है, बहुत प्यारा लगता है रात में। गाइस ये आ चुके हैं जमजम, और ये देखिए यहाँ का फेमस तंदूरी चिकन, इतना टेस्टी लग रहा है ना। और यहीं पे बाजू में टिक्का की तैयारी, और साथ साथ वो टिक्का, मलाई टिक्का। और ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी भी मिल जाएगी अगर आप सब्ज़ी रोटी खाना चाहें, अलग अलग टाइप के कोरमा, कढ़ाई चिकन सब मिलेगा। ये कुछ फास्ट फूड भी मिलते हैं यहाँ पे टिक्का के साथ साथ, अलग से कॉर्नर है फास्ट फूड का, आप कभी जाइएगा तो देखिएगा। तो गाइस यहाँ संकेत लेके आए मेरे लिए चिकन रैप, मेरी डिमांड थी, चिकन रैप मेरा फेवरेट है जमजम का। तो देखिए मैं ये एंजॉय कर रही हूँ। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं,
मैंने खा लिया है बट संकेत ने नहीं खाया बाहर का, तो हम उनके लिए रोटी सेक देंगे। वो कह रहे हैं मुझे रोटी सेक दो। ठीक है ठीक है, चलो चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम रोटी बनाते हैं संकेत को देते हैं। लगभग 11:05 हो चुका है, और इस बीच में जब तक संकेत अपना काम करने लगे थे, वो नहाने नहीं गए थे, तब तक मैंने ये सुबह के लिए सब्जी काट के रख दी, प्याज काट के रख दी, और थोड़ा सा लहसुन और मिर्च, और ये साथ साथ में मैंने एक्स्ट्रा लहसुन छील के रख दी, जिसमें ये एक दो दिन तक काम आए, मुझे एकदम से परेशान ना होना पड़े। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने वो करके रख दिया है अभी। और रोटी साथ साथ मैंने संकेत को रोटी भी बना दी है। अब संकेत जब भी आएंगे तो वो रोटी खाएंगे, अभी तो वो फिलहाल अपना काम करके गए हैं नहाने, और जब आएंगे तो वो खाना खा लेंगे। मैंने डाइनिंग टेबल पे लगा दिया है। ओके, तो अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, सोने। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे कल। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड लव यू गाइज, बाय बाय, गुड नाइट चंपा खैर।